हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो होगी वो होगी मेकअप पे। मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, जो मैं मेकअप करूंगी वो होगा न्यूड मेकअप। जो मेरा डेली वेज मेकअप होगा, जो मैं डेली रूटीन पे मेकअप करती हूँ, वही मेकअप मैं आपके सामने शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की डिमांड है कि आप प्लीज़ मेकअप पे वीडियो बनाओ, मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो बना के दो हमें। तो फिर आज की जो वीडियो होगी वो शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि मैं सिर्फ मेकअप का ही बताऊंगी। जो मैं डेली रूटीन पे मेकअप करती हूँ, बस वही चीज़ें आपको करके दिखाऊंगी। और अगर इस वीडियो में आप मुझे बहुत सारा प्यार दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी और मैं नेक्स्ट वीडियो मेकअप पे ही बनाऊंगी और मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो ही शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ। और इस वीडियो में मैं उतनी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, जस्ट लाइट मेकअप ही बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी हर एक चीज़, लाइक प्रोडक्ट, जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं और किस कंपनी से हैं, कैसे यूज़ करना, कहाँ यूज़ करना, मैं हर चीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो अपना फेस क्लीन होना चाहिए। आप चाहे फेस वॉश कर लो, क्लिंजिंग मिल्क से साफ कर लो, बट ऐसे कि मेकअप को स्टार्ट करने से पहले फेस क्लीन होना चाहिए अपना। ठीक है गाइस, मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है। और उसके बाद हमें यूज करना है प्राइमर। आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो फेस में। बाल मुझे बहुत डिस्टर्ब करे, इसलिए इनको ऑन कर ही रखती हूँ। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन यूज करते हैं। फाउंडेशन को अच्छे से स्किन में ब्लेंड करना है ना। आईब्रो पेंसिल की सहायता से अपनी आईब्रोज को शेप में लाना है, शेप देनी है। किसी की लाइट होती तो वो ब्राउन पेंसिल यूज करे, जिसकी डार्क है तो वो कलर मैच करके डार्क ही यूज करे। देन उसके बाद हम ब्लशर यूज करेंगे अपनी चीक्स को थोड़ा सा पिंक दिखाने के लिए। अगर जिसको पसंद है वो यूज कर सकते, जिसको नहीं पसंद तो वो, जिसके ऑलरेडी होता है तो वो ना करे तो ठीक है। शैडो यूज कर सकते हो, क्योंकि लाइट मेकअप में सब कुछ लाइट लाइट ही करना है तो ज़्यादा यूज नहीं करूँगी।
तो आप देख सकते हो मैं आईशैडो भी यूज कर लिया है। अब मैं लिपस्टिक यूज करूंगी। इसको शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो वो लिप लाइनर पेंसिल यूज कर सकते हैं पहले, फिर उसके बाद लिपस्टिक यूज करें। इसकी आईज छोटी छोटी तो थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए वाइट पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं। मैं हल्का हल्का करूंगी, फिर काजल यूज भी करूंगी। जिसको पसंद है काजल वो काजल यूज करें। मैं डायरेक्ट मस्कारा हटाई करूंगी क्योंकि मस्कारा तो मेरी जान है, मेरा मेकअप में सबसे फेवरेट पार्ट है मस्कारा एंड लिपस्टिक। बाकी मैं मेकअप करूँ या ना करूँ पर मस्कारा और लिपस्टिक मुझे चाहिए ही होता है। जब भी हम मस्कारा लगाते हैं तो वैसे मैक्सिमम लड़की को मस्कारा लगाना आता ही है, बट फिर भी कुछ एक लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें अभी तक ऐसे मेकअप की चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करते, वो इंटरेस्टेड है, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के हर एक चीज़ का बताऊँगी किस तरह से कैसे यूज़ करते हैं। एंड माई लास्ट फेवरेट पार्ट, हाइलाइटर। तो गाइस माय मेकअप इज डन, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। और लास्ट में हम जब मेकअप कंप्लीट हो जाता हमारा, तो लास्ट में हम मेकअप फिक्सर यूज करते हैं ताकि मेकअप पूरा दिन भर अच्छे से टिका रहे। सर्दियों में उतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि सर्दियों में इतनी स्वेटिंग पसीना कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होती, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, इसलिए हमें मेकअप फिक्सर यूज़ करना ही होता है। हाँ आप देख सकते हैं मेरा मेकअप हो गया है, रिमूव माय पिंपल्स। एंड आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा, और कुछ भी मुझसे पूछना हो और कुछ भी अगर आपकी डिमांड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।